वेलकम टू मैथ क्लास चैनल। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमारे पास क्वेश्चन क्या सिंप्लीफाई हमने करना है 5 की पावर -3 है। तो आपको पता है जब भी किसी भी टर्म, किसी भी नंबर, किसी भी वेरिएबल, कुछ भी जो भी बोलो उसकी पावर नेगेटिव हो तो उसको पहले हम पॉजिटिव कर लेते होते हैं, फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 की पावर पहले राइट कर लेते हैं, क्या है 5 की पावर -3 है। तो आपको पता है जब हम इसको पॉजिटिव करते हैं कैसे करेंगे, पॉजिटिव इस तरह से करेंगे कि डिनोमिनेटर में इसकी कुछ नहीं है, 1 है। या आप सिंपल ये करो कि 5 की पावर -3 है ना, इसको नीचे राइट कर दो, नीचे ले जाओ। नीचे ले जाएंगे तो ये नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी 5 की पावर 3, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। आपको पता है जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है। तो इसको हम सिंपल फर्स्ट स्टेप में मैंने जस्ट वैसे ही राइट कर दिया, नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको डिनोमिनेटर में राइट कर, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे ले आए, ठीक है। 5 की पावर 3 पॉजिटिव हो गई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 का 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 5 की पावर 3 है। तो सॉल्व कैसे होगी, हमारे पास 5 की पावर 3 का क्या मीन है, ये मीन है कि 5 को आप 3 टाइम्स राइट कर लो और मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 × 5 = 25 होता है, 25 × 5 = 125 होता है। तो यहाँ तक ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, नेक्स्ट हम इसको आगे नहीं कर सकते बिकॉज ना तो ये कट होगा ना तो और सॉल्व होगा, ठीक है। या आप डेसिमल फॉर्म में लेना चाहते हो तो तब ले आओ, अदरवाइज फ्रैक्शन में, ठीक है। ठीक है, क्या किया, इसको फर्स्ट स्टेप में राइट किया, देन इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं नीचे ले गई, 1 ऊपर राइट किया और नीचे जाके पावर पॉजिटिव हो गई, देन 1 का 1, 5 की पावर 3 है। तो उसको क्या करना है, सॉल्व कैसे राइट करना है, 5 × 5 × 5 मल्टीप्लाई करवाया तो 125 आ गया, इस तरह से सॉल्व हो गया। होप्स अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।